खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। अब खेल जमेगा, ला 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 ला। जी तैयार हैं, तैयार हो जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर आपके अपने चैनल नंबर वन स्पोर्ट्स चैनल कैप स्टूडियो 22 से आपका अपना मेजबान मोहम्मद शफीक बब्बा आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और आपको ये बताते चले कि दूसरा BMK T20 फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वक्त बोड़ा वाली ग्राउंड फैसलाबाद में जारी है, उसके क्वार्टर फाइनल मरहला, सेमीफाइनल मरहला और फाइनल के मरहले के जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को देनी है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कितनी रौनकें लगी हुई हैं, आपने फैमिलीज को देखा, बच्चों को देखा, इस पूरे टूर्नामेंट में आपको ये पता है कि 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से हमारी 4 टीम जो है वो आउट ऑफ स्टेशन से थी। और उसके अलावा जो हमारी टीमें हैं फैसलाबाद से, फैसलाबाद की बड़ी बड़ी टीमें उस वक्त हमारे पास मौजूद थी। और अब क्वार्टर फाइनल का मरहला आ चुका है। क्वार्टर फाइनल का जो शेड्यूल है वो आप लोगों से मैं शेयर करता चलूं। 8/3/2021 को जो पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा उसमें पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी लाहौर, जिसका मुकाबला होगा SPS क्रिकेट क्लब फैसलाबाद के साथ, ये मैच खेला जाएगा दिन 1:30 पर बोड़ा वाली ग्राउंड फैसलाबाद में। ये क्वार्टर फाइनल मरहले का पहला मैच होगा, पीर का दिन होगा, 8 तारीख होगी। और जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें रहमान फाउंडेशन लाहौर, बहुत ज़बरदस्त टीम है लाहौर की और पहले भी फैसलाबाद में आ चुके हैं, और ये रहमान फाउंडेशन का जो मुकाबला होगा वो होगा लायलपुर जिम खाना फैसलाबाद के साथ, शाम 5:30 पीर वाले दिन। इस तरह ये पहला क्वार्टर फाइनल है जो वो ख़त्म हो जाएगा पहले दिन का। और उसके बाद 9 तारीख आ जाएगी मंगल वाला दिन, जो पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा दिन 1:30 पर, वो खेला जाएगा कंबाइंड क्रिकेट क्लब वर्सेस डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद। दोनों ही ज़बरदस्त टीमें हैं और ये देखने के काबिल होगा। उसके बाद जो 9 तारीख को मंगल वाले दिन दूसरा मैच होगा शाम 5:30, जो लाइट्स जलेंगी हमारे ग्राउंड बोड़ा वाले ग्राउंड की, वो खेला जाएगा शेरा स्टार क्रिकेट क्लब गुजरांवाला। आपको पता है कि TM जो तैमूर मिर्जा हैं उन्होंने भी शिरकत की थी इस टीम की जानिब से। और इसके बाद जो शेरा स्टार के मुखालफ टीम होगी, बहुत ही ज़बरदस्त टीम, फैसलाबाद की नंबर वन टीम हम इन्हें कह सकते हैं, रेलवे क्रिकेट क्लब फैसलाबाद। बहुत ज़बरदस्त ये मैच होगा। और इसके बाद जो क्वार्टर फाइनल का मरहला है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको ये बताता चलूं, SPS क्रिकेट क्लब वर्सेस पार्क लाइन क्रिकेट क्लब, इनमें से जो टीम विनर होगी उसका मैच खेला जाएगा, जो टीम रेलवे क्रिकेट क्लब वर्सेस शेरा स्टार क्रिकेट क्लब गुजरांवाला से जो टीम जीतेगी उनका आपस में सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये सेमीफाइनल जो है ये खेला जाएगा 10 तारीख को शाम 5:00। और आपको ये बताता चलूँ, सेमीफाइनल जो है ये एक ही होगा, एक ही दिन में एक ही सेमीफाइनल होगा। इसके बाद 11 तारीख को लायलपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब फैसलाबाद वर्सेस रहमान फाउंडेशन लाहौर, ज़बरदस्त टीम, इनके दरमियान जो मैच होगा कंबाइंड क्रिकेट क्लब वर्सेस डायमंड क्रिकेट क्लब, इनमें से जो टीम जीतेगी उनका सेमीफाइनल लायलपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब और रहमान फाउंडेशन लाहौर के दरमियान जो टीम जीतेगी इन दोनों का सेमीफाइनल खेला जाएगा। और इसके बाद 12 तारीख को बिगेस्ट फाइनल होगा फैसलाबाद की तारीख में, बहुत ही बड़ा फाइनल जो 12 तारीख को शाम 5:30 खेला जाएगा। आप लोगों को मैं ये बताता चलूं, जिस तरह आपको पता है कि थ्रू आउट टोटल टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द मैच दिए जाते रहे, अलमायदा पिज़्ज़ा की जानी से ₹5,000 हर मैच में हर प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिला। और उनके साथ साथ आपके अपने कैप स्टूडियो 22 की जानिब से एक अदद खूबसूरत कैप स्टूडियो की कैप और एक टी शर्ट
आप देख रहे हैं मुख्तलफ जो हमारे मैन ऑफ द मैच हुए हैं तमाम टूर्नामेंट में उनको मिले। और आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये रीत जो है फाइनल तक चलेगी। छोटी सी चेंजिंग आएगी जो क्वार्टर फाइनल के समय आ जाएंगे मैन ऑफ द मैच, उनमें ये मैन ऑफ द मैच जो है ये बढ़कर 10,000 रुपया हो जाएगा, जो 5,000 रुपया अलमायदा पिज़्ज़ा मियाँ तारक हमीद की जानिब से और 5,000 रुपया एजद पेट्रोलियम की जानिब से ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह 10,000 रुपया क्वार्टर फाइनल। और जो सेमीफाइनल आ जाएंगे, सेमीफाइनल में इसी तरीके से 10,000 रुपया अलमायदा पिज़्ज़ा और 5,000 रुपया एजद पेट्रोलियम की जानिब से, यानी कि 15,000 रुपया सेमीफाइनल में जितने भी हमारे मैन ऑफ द मैच होंगे उनको दिया जाएगा। और सेम इसी तरह फाइनल में भी 15,000 रुपया और कैप स्टूडियो की और कैप और उसके साथ साथ एक अदद टी शर्ट कैप स्टूडियो की हर मैन ऑफ द मैच को वो तो मिलेगी ही। आप लोगों को ये बताता चलूं जो लोग क्वार्टर फाइनल जीतेंगी टीमें और सेमीफाइनल में जो 4 टीमें हमारी आएंगी उनको हारने पर दुख इसलिए नहीं होगा कि 50,000 रुपया फैसलाबाद की तारीख में पहली मरतबा सेकेंड BMK T20 चैंपियनशिप जो इस वक्त फ्लड लाइट बड़ा वाली ग्राउंड में जारी है, 50,000 रुपया तो हारने वाली टीमों को मिलेगा ही मिलेगा। फाइनल की जो टीम है, जैसे हम पहले अनाउंसमेंट कर सकते हैं, 2,00,000 रुपया नकद कैश और ट्रॉफी ये तो दिए ही जाएंगे। और जो टीम हमारी रनर अप होगी, जो हारी हुई टीम होगी, उसको 1,00,000 रुपया कैश और ट्रॉफी उसके साथ मिलेगी। अब आ जाइए इस फैसलाबाद की तारीख में, इतने बड़े इनामात किसी भी टूर्नामेंट में नहीं दिए गए। जो एक बाइक होती है या दो होती है, आज हमको बताते हैं आप लोगों को, जो बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा बॉलर, ये एक मोटर बाइक उनको मिलेगी। और उसके बाद जो विकेट कीपर होगा इस टूर्नामेंट में बेस्ट, एक बाइक उनको मिलेगी। अभी बाइकों का जो हिसाब है वो ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जो बेस्ट बॉलर होगा इस पूरे टूर्नामेंट का, एक मोटर बाइक उसके लिए भी रखी गई है। और इसके बाद अभी यहाँ पर काम नहीं रुका जनाब, चौथी मोटर बाइक जो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होगा उसके लिए ये चौथी मोटर बाइक है। और ये इनामात के ढेर लगा रहे हैं। तो इस तरह ये जो रौनकें लगी हुई हैं, रौनकों के बाद 12 तारीख को इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम हो जाएगा अपनी तमाम तर रोनाइयों के साथ। आप लोगों को ये बताता चलूं, अब आप लोगों ने जिस तरह आप लोग फैमिलीज और बच्चों के साथ आए हैं ग्राउंड में, इसलिए आना है, आपको पता है कि PSL जो है वो कोविड की वजह से मुलतवी हो चुकी है और पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार इस टूर्नामेंट में अब आएंगे। बहुत सारे प्लेयर रابطे में हैं, टीमों के साथ होंगे और इंशाल्लाह आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ बोड़ा वाली ग्राउंड में ज़रूर आएँ, इंजॉय करें, लाइटों का माहौल देखें, उसके साथ जो इंतज़ामिया ने वर्क किया है उनका माहौल, ग्राउंड्स मैन को ये टोटल दाद जाती है, हमारे ऑफिशियल जो स्कोरर हैं उनके साथ अंपायर्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे जो DJ हैं, हमारे जो पिक्चर वाले यासर मीडिया भाई हैं वो भी बड़ा अच्छा चल रहे हैं, और हम कैप स्टूडियो वाले 27 HA 27, उसके साथ साथ HH 48, और उसके बाद जो हमारा साजिद रंधावा और कैप स्टूडियो 22 पर आप ये सारे के सारे मैच लाइव देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से ग्राउंड में मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिएगा, हम शुक्रिया करते हैं पूरे फैसलाबाद में हमारे ये चारों ग्रुप जिन्होंने टूर्नामेंट का इनकार किया, और बहुत सारे लोग हम जिनका नाम नहीं ले सकते, हमारे जितने भी ऑफिशियल हैं और जितने भी दूसरे लोग जो इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोगों के साथ रहे, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बड़ा वाली ग्राउंड में 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। आप अपने मेज़बान मोहम्मद शफीक बब्बा को आपके अपने नंबर वन चैनल कैब स्टूडियो 22 से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।